हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज मॉर्निंग में आपसे मिल रही हूँ। तो सुबह दरअसल मैं आज जा रही हूँ, यहाँ जगदलपुर के पास में ही एक दंतेवाड़ा करके जगह है, वो माई जी का मंदिर है, वहाँ पर वो दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगी, दिखाऊंगी, और रास्ते में भी आपको सब दिखाऊंगी, जो भी अवेलेबल हो पाएगा मेरे से मैं सब दिखाऊंगी। और तो चलिए फिर चलते हैं। ये मेरी मम्मी हैं और ये जो है आई हुई हैं मेरे पास, जम्मू में रहती हैं और अभी मेरे पास आई हुई हैं, तो इनको भी मैं लेके जा रही हूँ दर्शन कराने के लिए। ये मिलिए मेरी मम्मी से। ये देखिए, ये हम आ गए हैं अब गीदम रोड पे। गीदम से आगे है दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा लगभग पड़ता है 90 किलोमीटर पड़ता है। तो ये देखिए, ये पूरा रास्ता है, चारों ओर जंगल ही जंगल है। देखिए, घर भी बने हुए हैं, दुकानें भी हैं, हरियाली हरियाली है। देखिए, रोड अच्छी बनी हुई है, आवाजाही चालू है लोगों की सुबह से। ये चलो, ये देखिए बस्तर के ग्रामीण क्षेत्र, आज यहाँ का बाजार है, तो अभी लगने वाला है, लगा नहीं है। तैयारी हो रही है बाजार की, तो अभी लगा नहीं है। सब चीज़ें मिलती हैं यहाँ दैनिक जरूरत की। ये देखिए, गीदम के रास्ते में ही घाट है। एक समय में यहाँ टाइगर घूमता रहता था। देखिए पहाड़ी है इधर, मनोरम, बहुत खूबसूरत दृश्य देखते ही बनता है, बहुत ही प्यारा। रोड भी देखिए, एकदम मलाई के जैसे। ये देखिए वो, सुबह का दृश्य बहुत मनोरम, बहुत प्यारा। पूरा जंगल हरियाली ही हरियाली, आंखों को सुकून देने वाली हरियाली। ये रास्ते में एक मंदिर है लेकिन अभी बंद है, बंजारीन माता का मंदिर है। और ये देखिए रोड, देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, मलाई के जैसे रोड है, बहुत ही अच्छी, बैठ के भोजन भी ग्रहण किया जा सकता है। इतनी खूबसूरत प्यारी रोड है कि ऐसा लगता है कि डाइनिंग टेबल पे क्या इस रोड पे बैठ के भोजन किया जा सकता है।
लगाए होते हैं उसी तरह से बहुत ही खूबसूरत प्यारी साफ सुथरी, कहीं कचरा नहीं दिख रहा है, देखिए कूड़ा करकट कहीं नहीं दिख रहा है। और ये देखिए जंगल पहाड़ी इलाका ऐसा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो उस पहाड़ी पे जाके बैठ जाऊँ, वो जो पहाड़ी दिख रही है उस पे बैठ जाऊँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। पपीता 20 रुपये का है? अरे ये तो बहुत छोटा छोटा पपीता है, इतना छोटा छोटा 20 रुपये का? अरे बाप रे। अब हम पहुंच गए हैं गीदम से होते हुए दंतेवाड़ा पहुंच गए हैं, और मंदिर गए थे तो वहाँ अभी बंद है, तो थोड़ी देर में खुलेगा तो दर्शन करेंगे जाके। और अब पेट में चूहे भी कूदने लगे हैं तो सोचा कि चलो थोड़ा पेट की अग्नि को भोजन ग्रहण करके शांत किया जाए, कुछ ग्रहण किया जाए। तो हम इस रेस्टोरेंट में आए हैं, ये रेस्टोरेंट अविका कॉफ़ी एंड कैफ़े एंड रेस्टोरेंट है। तो हम यहाँ आए हैं भोजन ग्रहण करने के लिए। ये मैं बाहर खड़ी हूँ, रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हूँ, ये देखिए। तो आप भी कभी दंतेवाड़ा आओ तो आप भोजन ग्रहण करने के लिए आ सकते हैं। हाँ, तो मैं अब अंदर जा रही हूँ और ऑर्डर करते हैं भोजन का, खाने का ऑर्डर करते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। अब ये हमारा भोजन आ गया है तो अब हम भोजन कर रहे हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। बाल्टी में और ढोंगों में सब सामान आ गया है तो फिर आगे मिलते हैं। अब ये मैं आ गई हूँ भैरव बाबा के मंदिर, भोजन हो गया है हमारा। अब ये देखिए बरगद का पेड़ है, इसमें मान्यता वाले लोगों ने सब चुनरियाँ बांधी हुई हैं। अभी मंदिर है, अभी थोड़ी देर से खुलेगा तब अंदर जाएंगे हम लोग। और ये मेरी मम्मी बैठी हैं, ये मेरे हस्बैंड बैठे हैं, देखिए। तो अभी यहाँ के बारे में मेरे हस्बैंड से थोड़ी जानकारी लेंगे, वो बताएंगे भैरव बाबा के मंदिर के बारे में, क्योंकि दंतेश्वरी मंदिर आओ तो माई जी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना ज़रूरी होता है। तो हम लोग ज़रूर आते हैं, जब भी आते हैं, वैसे हम लोग आते ही रहते हैं, तो जब भी आते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं। तो आगे सर बताएंगे कि मंदिर के बारे में, बताइए सर। भैरव बाबा का ये मंदिर, मंदिर का स्ट्रक्चर तो बाद का है, कुछ वर्षों पूर्व का है, लेकिन ये ऐतिहासिक स्थल है। संकनी डंकनी नदी के तट पर ये बना भैरव बाबा का मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके भीतर जो प्रतिमाएं रखी हुई हैं वो लगभग लगभग 1100 साल पुरानी हैं। छिंदक नागवंश के पीरियड की प्रतिमाएं हैं और बहुत सारे शिवलिंग यहाँ पर बिखरे हैं। आज से करीब 4 दशक पहले हमने यहाँ का सर्वे करके पूरे स्थलों के बारे में उजागर किया था, और ये स्थलों की जो मूर्तियाँ थी उसको म्यूजियम में, बहुत सारी मूर्तियाँ तो म्यूजियम में शिफ्ट कर दिए, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस मंदिर में, खासकर शिवलिंग जो एकाश में शिवलिंग है। एकाश में शिवलिंग का मतलब होता है जिसमें जलहरी विहीन शिवलिंग रहते हैं, वो लगभग 2000 साल से पुराने रहते हैं, 4000-5000 साल पुराने, और बड़े विशाल शिवलिंग है एकाश में शिवलिंग। और बाद में यहाँ पर जब स्थापित किए उसको तो नीचे जलहरी, आर्टिफिशियल जलहरी बना दिए। तो इस तरह से ये जो स्थल है ये हजारों साल पुरानी मान्यताओं का है, और जहाँ जहाँ पर देवी की शक्तिपीठ होते हैं वहाँ वहाँ भैरव बाबा का मंदिर अवश्य होता है, क्योंकि देवी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है, ऐसी हमारी हिंदू मान्यता है। तो अंदर अभी आपको जैसे मंदिर खुलता है तो दिखाइए कि प्रतिमा कितने साल पुरानी है, और ये यहाँ की भैरव बाबा की प्रतिमा के साथ साथ भैरवी चक्र भी यहाँ पर मिलता है।
राधे राधे। राधे राधे। आचार्य देवेश तिवारी जी, कानपुर से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से। बेसिकली संबोधानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस से ज्योतिष से आचार्य हूँ मैं जी। और इस समय हम लोग खड़े हैं दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में जी। मैं बीजापुर में महामृत्युंजय का अनुष्ठान करने आया था और ये सभी हमारे आचार्यगण हैं। आप हमें यहीं पर ताऊ जी मिले, आदरणीय सतीश कुमार तिवारी जी, शिव प्रकाश तिवारी जी, मिल करके बहुत अच्छा लगा। माता जी भी बहुत अच्छा, मतलब अच्छा स्वभाव है, इंट्रोडक्शन ले रही हैं। बेसिकली मैं ज्योतिष आचार्य हूँ, कर्मकांड भी करता हूँ, यज्ञ भी करवाता हूँ, भागवत भी कहता हूँ। आप लोग गूगल कर सकते हैं आचार्य देवेश तिवारी, फेसबुक यूट्यूब हर जगह उपलब्ध हूँ। ऑनलाइन कुंडली भी देखता हूँ मैं जी। इस तरीके से लोगों की सेवा करता हूँ, चूंकि ब्राह्मण का काम है सेवा करना, उसने समाज को शुरू से आज तक दिया है जी। तो वही काम मैं कर रहा हूँ, चूंकि ये मेरा पुस्तैनी कार्य है। माता पिता के आशीर्वाद से, संस्कारों से आच्छादित होकर मैं इस कार्य को करके अपने आप को स्वस्थ मस्त और खुशी महसूस करता हूँ। अच्छे अच्छे लोगों से मिलना, लोगों को ज्ञान देना, उनको सही राह बताना। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनको यही नहीं भान होता है कि अब आगे जिंदगी है भी या नहीं, तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से मैं उनकी हेल्प करके, उनकी मदद करके, उनको सांत्वना देकर, उनके कष्टों को महादेव के द्वारा निवारण करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ये मेरी, मेरे ऊपर महादेव की, महाकालेश्वर की बहुत बड़ी दया है। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग मुझे जुड़ सकते हैं मेरे YouTube चैनल से, आचार्य देवेश तिवारी कानपुर वाले करके है। मेरा नंबर है 8707333469। आचार्य देवेश तिवारी मेरा नाम है। जय राधे, सबको जय राधे। राधे। ज्योति बहुत अच्छी है, ज्योति बहुत अच्छी है, संस्कृत भी बहुत अच्छी है। हरिओम, ज्योति बहुत अच्छी है। हाँ, ये हम यहाँ आए थे दंतेवाड़ा, तो यहाँ पर पंडित जी मिले हैं, तो उनका थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन लिया है और मैं इसे रिकॉर्ड करके डालूंगी, तो आप सब सुनिएगा, देखिएगा, उन्होंने अपने बारे में सब बताया है। अब हम मंदिर प्रांगण में पहुंच गए हैं। आज जा रहे हैं अब हम अंदर मंदिर के, और ये देखिए कितनी सुंदर सजावट हुई है, पेड़ पौधे, लोग दर्शन करने आ रहे हैं। आज किसी कारणवश थोड़ी देर के लिए मंदिर बंद था दोपहर में, अब खुल गया है, तो अब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सभी आए हुए हैं देखिए दर्शन करने के लिए। तो मैं अंदर जा रही हूँ, अगर अलाउ होगा मोबाइल तो अंदर आपको दिखाऊंगी। तो मैं फिर अब थोड़ी देर में मिलती हूँ। अब मैं मंदिर से दर्शन करके आ गई हूँ, अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था इसलिए मैंने आपको अंदर नहीं दिखाया, लेकिन मैं दर्शन करके आ गई हूँ। अब मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर का आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए ये चारों तरफ मंदिर पर परिसर के अंदर चारों तरफ देखिए। अब मैं आगे आपको और दिखाती हूँ। दंतेवाड़ा मंदिर के संकनी नदी के संगम, ये स्थान बड़ा ही ऐतिहासिक है। दो नदियों का संगम के स्थल पर बना है माँ दंतेश्वरी का यह शक्तिपीठ, जो दूर दूर तक विख्यात है, और बस्तर की आराध्य देवी होने के कारण यहाँ आए दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। आज राज परिवार में एक दुर्घटना की वजह से मंदिर 2 बजे के बाद खुला है, और हम देख रहे हैं कि फिर भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ जम चुकी है। दंतेवाड़ा का यह पावन स्थल अपने ऐतिहासिकता के साथ साथ धार्मिक आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अब ये हम लोग बाहर आ गए हैं मंदिर के,
देखिए चारों तरफ प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं, फूल वाली फूल बेच रही है, जो भी लेना चाहे। देखिए चारों तरफ खाने पीने की चीज़ें हैं, प्रसाद। देखिए लोग दर्शनार्थी दर्शन करने आ रहे हैं। हनुमान जी की प्रतिमा पीछे से है, सामने से दिखाती हूँ। विशाल हनुमान जी की प्रतिमा है, दिखाती हूँ आपको, जा रही हूँ सामने, सामने से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए विशाल प्रतिमा, जय। अब हो गए माता जी के दर्शन भी हो गए, सब कुछ हो गया। अब हम लोग वापस जा रहे हैं, घर वापस जा रहे हैं। तो मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आप लोगों के लिए मैंने माता से, देवी मैया से, दंतेश्वरी मैया से बहुत सारी कृपा मांगी, उनसे प्रेयर करी, प्रार्थना करी, आप लोगों के लिए अरदास करी और दुआएं मांगी आप लोगों के लिए। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें हमेशा, और सेहतमंद रहें, खैरियत से रहें। और सबके लिए मैंने प्रार्थना की, और अब मैं आज के लिए इतना ही। और आप लोग भी मेरे लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और अब आज के लिए इतना ही, बाय।